फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल सीख स्टडी में स्वागत है, जहां पर आपके आने वाले सभी एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। सारे एग्जाम्स रिलेटेड इम्पॉर्टेंट कंटेंट आपको यहां मिलता रहेगा, इसलिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं कि प्रश्न क्या है। मैं आज आपके लिए जीआई टैग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड, ये जहाँ भी जीएस आती है वहाँ हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर इससे बनता है। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। कांगड़ी साड़ी के लिए किस राज्य को जीआई टैग मिला हुआ है, या फिर कहें कांगड़ी साड़ी किस राज्य के जीआई टैग से सुशोभित है। चलिए फ्रेंड, चार विकल्प आपको दिए गए, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश। सोचिए फ्रेंड, कौन सा विकल्प सही हो सकता है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश। फ्रेंड सोच लिया होगा फ्रेंड। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर टू तमिलनाडु इसका सही जवाब है। क्लियर हुआ फ्रेंड, कांगड़ी साड़ी कहाँ के लिए, तो तमिलनाडु के लिए। ठीक, क्लियर हो गया होगा फ्रेंड, तमिलनाडु की कांगड़ी साड़ी को जीआई टैग मिला हुआ है। चलिए फ्रेंड, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सिरसी सुपारी निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है, जिसे जीआई टैग मिला हुआ है। चलिए फ्रेंड, ऑप्शन नंबर वन तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर टू बिहार, ऑप्शन नंबर थ्री कर्नाटक, ऑप्शन नंबर चार असम। फ्रेंड, इस चार विकल्प आपको दिए गए हैं, सोचिए, तमिलनाडु, बिहार, कर्नाटक, असम। चलिए फ्रेंड, सोचिए कौन सा इसका सही जवाब है, सोच लिया होगा फ्रेंड। चलिए इसके उत्तर की ओर चलते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर टू, ऑप्शन नंबर थ्री, सॉरी, ऑप्शन नंबर थ्री कर्नाटक इसका सही जवाब है। सिसरी सुपारी कहाँ की, कर्नाटक की है फ्रेंड। ठीक, जिसे जीआई टैग मिला हुआ है। क्लियर हुआ फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कंदमाल हल्दी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। फ्रेंड, कंदमाल हल्दी निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है, जिसे जीआई टैग मिला हुआ है। कौन सा, जीआई टैग। ठीक, चलिए फ्रेंड, चार ऑप्शन, ऑप्शन नंबर वन कर्नाटक, ऑप्शन नंबर टू उड़ीसा, ऑप्शन नंबर थ्री मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर चार केरल। फ्रेंड सोचिए और विचार कीजिए कौन सा विकल्प सही है, कंदमाल हल्दी को किस राज्य के लिए जीआई टैग मिला हुआ है। चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर टू उड़ीसा। फ्रेंड, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर टू उड़ीसा। क्लियर हुआ फ्रेंड। आगे चलते हैं फ्रेंड अगले क्वेश्चन में। शाही लीची को निम्नलिखित में से किस राज्य में जीआई टैग मिला हुआ है। फ्रेंड, चार ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, बंगाल। फ्रेंड, चार विकल्प में सोचिए कौन सा विकल्प सही हो सकता है और फिर अपने उत्तर का मिलान कर लीजिए। मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, बंगाल। फ्रेंड, सोच लिया होगा आप सबने। चलिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर टू बिहार। शाही लीची को कहाँ का, बिहार में। ठीक, जीआई टैग मिला हुआ है। क्लियर हुआ फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हमारा। गुलबर्गा तूर दाल को किस राज्य में जीआई टैग प्राप्त है। क्लियर हुआ फ्रेंड, क्या, गुलबर्गा तूर दाल। ठीक फ्रेंड, ऑप्शन नंबर आपके पास वन कर्नाटक, ऑप्शन नंबर टू उड़ीसा, ऑप्शन नंबर थ्री मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर फोर केरल। फ्रेंड, ये चार विकल्प दिए गए हैं, सोचिए और विचार कीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए फ्रेंड, गुलबर्गा तूर दाल के लिए ऑप्शन सोचिए। चलिए फ्रेंड, इसके उत्तर की ओर चलते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर वन। कौन सा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर वन कर्नाटक। क्लियर हुआ फ्रेंड, इसका सही जवाब कौन,
ऑप्शन नंबर वन कर्नाटक, गुलबर्ग तूर दाल कर्नाटक के लिए। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बासो मोल चावल को किस राज्य में जीआई टैग प्राप्त है? चलिए फ्रेंड सोचिए, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, असम बिहार केरल या फिर बंगाल। असम बिहार केरल या फिर बंगाल, फ्रेंड सोच लिए जी। बासो मोल चावल को किस राज्य में जीआई टैग? चलिए फ्रेंड असम बिहार केरल कर्नाटक सोच लीजिए। चलिए फ्रेंड इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर वन, कौन? असम। क्लियर हुआ फ्रेंड? कौन सा फ्रेंड? असम। चलिए फ्रेंड क्लियर हो गया होगा, बासो मोल चावल असम से। ठीक, अगले प्रश्न में देखते हैं हम, हमारा अगला प्रश्न क्या है। द मुखौटा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग मिला हुआ है? फ्रेंड सोचिए, चार विकल्प, केरल तेलंगाना बंगाल या फिर मध्य प्रदेश। चलिए फ्रेंड सोचिए, केरल से, तेलंगाना से, बंगाल से या फिर मध्य प्रदेश से। चलिए फ्रेंड सोच लिया होगा आप सबने, उम्मीद करता हूँ आपने सोच लिया होगा। चलिए इसका उत्तर देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही है। चलिए फ्रेंड देखते हैं, तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर थ्री, बंगाल। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर थ्री बंगाल। याद रखिएगा, दो मुखौटा कहाँ से? बंगाल से संबंधित है जिसे कि जीआई टैग मिला हुआ है। क्लियर हुआ फ्रेंड? चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ईरोड हल्दी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग मिला हुआ है? फ्रेंड चार ऑप्शन, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर थ्री तेलंगाना, ऑप्शन नंबर चार कर्नाटक। फ्रेंड ये चार विकल्प दिए गए हैं, सोचिए कौन सा जवाब सही है, ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन नंबर टू या फिर ऑप्शन नंबर थ्री। चलिए फ्रेंड सोच लीजिए। चलिए फ्रेंड अब इसके उत्तर की ओर चलते हैं और देखते हैं कि हमारा कौन सा विकल्प सही है। चलिए फ्रेंड इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर टू, तमिलनाडु। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर टू तमिलनाडु। ईरोड हल्दी कहाँ से की है? तमिलनाडु की फ्रेंड, जिसे जीआई टैग मिला हुआ है। क्लियर हुआ? ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ईरोड तमिलनाडु। क्लियर? चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन में चलते हैं। वारंगल की दरी को कहाँ का जीआई टैग मिला हुआ? चलिए फ्रेंड पूछा गया वारंगल की दरी, चार ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड, महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर टू तेलंगाना, ऑप्शन नंबर थ्री असम, ऑप्शन नंबर फोर जम्मू कश्मीर। चलिए फ्रेंड ये चार विकल्प दिए गए हैं, महाराष्ट्र, तेलंगाना, असम या फिर जम्मू कश्मीर। चलिए फ्रेंड सोचिए कौन सा विकल्प सही है, ऑप्शन नंबर वन की, ऑप्शन नंबर टू या फिर ऑप्शन नंबर थ्री या फिर ऑप्शन नंबर फोर। चलिए फ्रेंड सोचिए। चलिए फ्रेंड सोच लिया होगा आप सबने, अब देखते हैं इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर टू। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर टू तेलंगाना। क्लियर हो फ्रेंड? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर टू तेलंगाना। क्लियर हुआ फ्रेंड? वारंगल की दरी कहाँ? तो तेलंगाना से। क्लियर हुआ फ्रेंड? क्लियर हुआ फ्रेंड? चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सांगली हल्दी को कहाँ का जीआई टैग मिला हुआ है? फ्रेंड चार ऑप्शन, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। सोचिए फ्रेंड कौन सा विकल्प सही हो सकता है और विचार कीजिए इस पर और फिर अपने उत्तर का मिलान कीजिए। केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। सांगली हल्दी को कहाँ का जीआई टैग मिला हुआ है? केरल का या फिर महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। चलिए फ्रेंड सोच लिया होगा। चलिए फ्रेंड इसका उत्तर देखते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर टू। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर टू महाराष्ट्र। सांगली हल्दी कहाँ? महाराष्ट्र का जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक, अगला फ्रेंड देखते हैं, लेकिन इससे पहले दिया गया था ईरोड, ईरोड को कौन सा? तमिलनाडु का। याद रहेगा फ्रेंड? चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
कुडाई कनाल, मलाई पुडू, लहसुन के लिए जीआई टैग किस राज्य में दिया गया है फ्रेंड? चार ऑप्शन है फ्रेंड, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, असम। फ्रेंड ये चार विकल्प हैं, इनको सोचिए, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर असम। चलिए फ्रेंड, कौन सा? कुडाई कनाल, मलाई पुडू, लहसुन। चलिए फ्रेंड, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर असम, सोचिए फ्रेंड इसका सही जवाब। चलिए फ्रेंड इसके उत्तर की ओर चलते हैं, देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। चलिए फ्रेंड सोच लिया, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर थ्री, तमिलनाडु। कौन सा फ्रेंड? तमिलनाडु इसका सही जवाब है। क्लियर हुआ फ्रेंड? कुडाई कनाल मलाई पुडू कहाँ के लिए? तमिलनाडु। क्लियर हुआ फ्रेंड? अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। टेरा कोटा के लिए जीआई टैग किस राज्य से संबंधित है? चार ऑप्शन दिए गए फ्रेंड, एमपी, यूपी, कर्नाटक या फिर मणिपुर होएगा, सॉरी फ्रेंड यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, यूपी, एमपी, कर्नाटक, मणिपुर। चलिए फ्रेंड, टेरा कोटा के लिए कहाँ, किस राज्य में जीआई टैग मिला, सोचिए। चलिए फ्रेंड सोच लिया आप सबने। चलिए फ्रेंड अब इसका उत्तर देखते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन नंबर वन, यूपी। यूपी में कहाँ पे फ्रेंड? गोरखपुर राज, गोरखपुर जिले में। ठीक फ्रेंड, यूपी के गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में खेरा कोटा के लिए जीआई टैग मिला हुआ। क्लियर हुआ फ्रेंड? चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चा खाओ चावल कृषि किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग मिला? चा खाओ चावल, चलिए फ्रेंड सोचिए, उड़ीसा, ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन नंबर टू केरल, ऑप्शन नंबर थ्री मणिपुर या फिर ऑप्शन नंबर फोर गुजरात। चलिए फ्रेंड सोचिए कौन सा विकल्प सही हो सकता है, ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन नंबर टू या फिर ऑप्शन नंबर थ्री या फिर ऑप्शन नंबर फोर। चलिए फ्रेंड सोचिए, सोच लिया होगा फ्रेंड, चलते हैं अब इसका उत्तर की ओर। चलिए फ्रेंड इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर थ्री, मणिपुर। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर थ्री मणिपुर इसका सही जवाब है। चाकाओ चावल के लिए जीआई टैग मणिपुर राज्य में मिला हुआ है। ठीक फ्रेंड, चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन में चलते हैं, और अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। तिरूर बेताल पत्ता, यहाँ पत्ता लिख गया है, पत्ता निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग मिला हुआ है? चार ऑप्शन फ्रेंड, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, केरल, कर्नाटक। चलिए फ्रेंड सोचिए, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, केरल या फिर कर्नाटक। चलिए फ्रेंड सोचिए, सोच लिया आप सुने फ्रेंड, तिरूर बेताल पत्ता किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग मिला हुआ? चलिए फ्रेंड, चलिए फ्रेंड सोचिए। चलिए फ्रेंड अब उसका उत्तर देखते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर थ्री, केरल। फ्रेंड तिरूर बेताल पत्ता केरल राज्य से। क्लियर हुआ? कहाँ से? केरल राज्य से संबंधित है। ठीक, जिसे क्या जीआई टैग मिला हुआ है। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन में चलते हैं। खोला चिल्ली मिर्च कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग मिला हुआ है? चलिए फ्रेंड चार ऑप्शन आपके पास, मणिपुर, गोवा, झारखंड, असम। ये चार ऑप्शन दिए गए फ्रेंड, सोचिए, मणिपुर, गोवा, झारखंड या फिर असम। चलिए फ्रेंड सोचिए कौन सा इसका सही हो सकता है, ऑप्शन, ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन नंबर टू या फिर ऑप्शन नंबर थ्री या फिर ऑप्शन नंबर फोर। चलिए फ्रेंड अब इसका सही जवाब देखते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर टू। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर टू गोवा, गोवा। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर टू गोवा, खोला चिल्ली मिर्च कृषि के लिए गोवा को। ठीक, क्लियर हुआ? चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, अरकू निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? फ्रेंड सोचिए, केरल, बंगाल, तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश। क्लियर हुआ फ्रेंड? केरल, बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, अरकू। अरकू किस राज्य से संबंधित है फ्रेंड? अरकू कॉफ़ी, सॉरी यहाँ पे कॉफ़ी होना चाहिए। सोचिए फ्रेंड, केरल से, बंगाल से, तेलंगाना से या फिर आंध्र प्रदेश से। चलिए फ्रेंड सोचिए। चलिए फ्रेंड अब इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर फोर, ऑप्शन नंबर फोर आंध्र प्रदेश। अरकू कॉफ़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित, कहाँ से फ्रेंड? आंध्र प्रदेश से। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोराई खोबर पेंटिंग निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है जिसे GI टैग मिला हुआ है? फ्रेंड चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, झारखंड, मध्य प्रदेश, असम, बंगाल। फ्रेंड सोचिए कौन सा विकल्प सही है। सोराई खोबर पेंटिंग निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? फ्रेंड झारखंड से, मध्य प्रदेश से, असम से या फिर बंगाल से। चलिए फ्रेंड सोचिए। चलिए फ्रेंड सोच लिया होगा आप सबने। अब देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा विकल्प है। चलिए फ्रेंड इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर वन झारखंड। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर वन झारखंड। क्लियर हुआ फ्रेंड? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर वन झारखंड। क्लियर हुआ फ्रेंड? सोराई खोबर पेंटिंग कहाँ है? तो झारखंड से फ्रेंड। ठीक, इसे GI टैग मिला हुआ है। ठीक, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन। कड़कनाथ मुर्गा किस राज्य से संबंधित है जिसे GI टैग मिला हुआ है? चलिए फ्रेंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा। चलिए फ्रेंड चार विकल्प, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा। चलिए फ्रेंड सोचिए, कड़कनाथ मुर्गा के लिए GI टैग किस राज्य को मिला हुआ? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा। चलिए फ्रेंड सोच लिया होगा आप सबने। अब इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर थ्री। कौन सा? ऑप्शन नंबर थ्री मध्य प्रदेश, MP। क्लियर हुआ फ्रेंड? चलिए फ्रेंड क्लियर हो गया होगा। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन में चलते हैं। रसगुल्ला को किस राज्य का GI टैग मिला हुआ है? फ्रेंड क्वेश्चन है, रसगुल्ला को GI टैग किस राज्य को मिला हुआ है? चलिए फ्रेंड चार ऑप्शन, केरल, MP, असम, बंगाल। चलिए फ्रेंड सोच लिया होगा आप सबने, सोचिए इसको अच्छे से। केरल, MP, काफ़ी कंफ्यूजिंग ये क्वेश्चन है। केरल, MP, असम, बंगाल। चलिए फ्रेंड सोचिए, रसगुल्ला को किस राज्य में के लिए GI टैग मिला हुआ है? चलिए फ्रेंड केरल, MP, असम, बंगाल। चलिए फ्रेंड अब इसके उत्तर की ओर चलते हैं और देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। फ्रेंड इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर फोर बंगाल। बंगाल को फ्रेंड, रसगुल्ला को बंगाल के लिए, ठीक, कब मिला था GI टैग? तो नवंबर 2017 में। कब फ्रेंड? नवंबर 2017 में। और अगर बात करें रसगुल्ला के लिए और किस राज्य को GI टैग मिला हुआ, तो फ्रेंड कौन सा राज्य? तो फ्रेंड वो राज्य उड़ीसा। उड़ीसा को भी रसगुल्ला के लिए GI टैग मिला हुआ फ्रेंड। क्लियर हो फ्रेंड? उसे कब मिला है? 29 जुलाई 2019 को। क्लियर हुआ फ्रेंड? बंगाल को 2017 में, जबकि उसे 2019 में, किसको? उड़ीसा को। क्लियर हो गया फ्रेंड? चलिए फ्रेंड आगे देखते हैं हम। फ्रेंड ये बिहार के कुछ प्रमुख GI टैग वाले उत्पाद आपको दिए गए हैं, ठीक, इनको अच्छे से याद कीजिएगा और हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे कि पहला, कतरनी चावल, कहाँ से? बिहार से। फ्रेंड मगही पान, तो फ्रेंड ये मगही पान कहाँ से? बिहार से।
ये फिर शाही लीची, बिहार से, अभी पीछे भी पढ़ चुके हम लोग। जरदालू आम पूछा जाए आपसे तो ये भी बिहार से, क्लियर हुआ फ्रेंड। और सिल्वा खाजा ये भी फ्रेंड बिहार से है, ठीक फ्रेंड। ये बिहार के प्रमुख जीआई टैग वाले उत्पाद हैं, इनको ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ठीक, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए फ्रेंड आज के लिए इतना ही। तो फ्रेंड आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो फ्रेंड चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए फ्रेंड।